नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव जनपद से आ रही है। सरेआम गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या पर हिंदू जागरण मंच ने जताया रोष, निकाला कैंडल मार्च, उठाया पुलिस की लचर कार्यशैली पर सवाल। हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री एवं प्रभारी बिमल द्विवेदी के नेतृत्व में गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी की सरेआम हत्या पर हिंदू जागरण मंच ने शहर में बड़े चौराहे से लेकर शास्त्री प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकाला व दिवंगत पत्रकार को श्रद्धांजलि दी। इस घटना पर पुलिस की लचर कार्यशैली पर सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा, जब हत्या से 2-3 दिन पहले अपनी भांजी के साथ छेड़खानी का प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया था, तभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और घटना वाले दिन भी पत्रकार विक्रम जोशी जब अपनी बहन के यहाँ डिनर पर गए थे, तभी बदमाश बहन के घर के नीचे खड़े होकर गाली गलौज कर रहे थे। पत्रकार द्वारा संबंधित थानाध्यक्ष को फोन करने के बावजूद थानाध्यक्ष ने आने से मना कर दिया और पत्रकार की अपनी बहन के घर से 200 मीटर आगे जाने पर उनकी दोनों बेटियों के सामने हत्या कर दी गई, जिससे पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर जाहिर होती है। पत्रकार विक्रम जोशी के भांजे द्वारा मीडिया को बताया गया है कि कोई आसपास रहने वाला कमालुद्दीन का लड़का उसकी बहन को रोज छेड़ता था, जिसकी शिकायत उसके मामा ने पुलिस से की थी। बिमल द्विवेदी ने कहा, अक्सर ऐसे जिहादी अपराधी तथ्यों का मिशन लव जिहाद भी रहा हो सकता हो, सफल न होने पर जबरन उठवाने का दबाव बनाया जा रहा होगा, ऐसे में पुलिस को समय रहते कार्रवाई करना जरूरी था, लेकिन पुलिस अपराधियों के सामने सुस्त बनी रही, जो कि दुखद है। समय समय पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि कुछ पुलिसकर्मी आज भी ब्रिटिश काल की मानसिकता में ही काम करती हैं, जिसका बदलना जरूरी है। एवं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के प्रहरियों के सम्मान एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक है, क्योंकि अभी उन्नाव में भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने पर पत्रकार संकल्प दीक्षित पर ही फर्जी मुकदमा पुलिस द्वारा लिखकर दबाव बनाने का प्रयास किया गया था। ऐसी मानसिकता से बाहर आकर पुलिस को समाज में भयमुक्त माहौल बनाने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि गाजियाबाद कांड में अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई कर देती तो इस हत्या को रोका जा सकता था। ऐसे में जरूरी है 2006 में जारी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत पुलिस सुधार लागू किया जाए। इस अवसर पर मंच के जिला अध्यक्ष अजय त्रिवेदी, नगर अध्यक्ष विकास सिंह सेंगर, नगर महामंत्री धर्मेंद्र शुक्ला, उपाध्यक्ष शिव सेवक त्रिपाठी, उपाध्यक्ष शिवम आज़ाद, नगर उपाध्यक्ष जय शिव अवस्थी, मंत्री अखिल मिश्रा, अमन तिवारी, पप्पी शुक्ला, अभिषेक तिवारी, दीपक तिवारी, सोनू शुक्ला, शोभित शुक्ला, विकास जायसवाल, अमित मिश्रा, महेश तिवारी, धीरेन्द्र शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। इंडिया पावर न्यूज़ के लिए उन्नाव से प्रभा वाजपेयी की रिपोर्ट। आज बहुत दुखद घटना हुई है। एक पत्रकार साथी जो निर्भीकता से, निडरता से एक सच्चाई का सामना करते हैं, कोरोना काल में लगातार उन लोगों ने सच्चाई का आईना लोगों तक अपनी खबर जन जन तक पहुंचाई। इस दौरान कुछ जिहादियों द्वारा गाजियाबाद में विक्रम जोशी की हत्या कर दी गई, तो सबसे पहले इस मंच की ओर से, आप सबकी ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ व इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि जब सरकार बनी थी तो सरकार द्वारा ये निर्धारित किया गया था कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों की सुरक्षा व सम्मान पर सरकार कभी आंच नहीं आने देगी, लेकिन जिस तरह से अपने ही भांजी के लिए पत्रकार द्वारा लगातार पुलिस से गुहार लगा गई, कई बार प्रार्थना पत्र थाने में दिया गया, उसके बाद भी अपराधियों से मिली हुई पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। अपनी भांजी के यहाँ पत्रकार बैठा था और नीचे अपराधी जिहादी जो लव जिहादी थे, जिनके द्वारा लगातार शिकायत की गई थी, एक कमलुद्दीन नामक व्यक्ति जो पत्रकार साथी है उसके भांजे द्वारा ये बताया गया है कि लव जिहाद लगातार उसको प्रेरित कर रहा था, लगातार दबाव बना रहा था कि उसके साथ वो शादी करे। इसकी शिकायत लगातार पत्रकार भाई द्वारा की गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जल्द में ही आपने देखा होगा एक ट्वीट पर, महिला सुरक्षा को ट्वीट पर लेकर एक संकल्प दीक्षित द्वारा एक ट्वीट किया गया था कि महिला पर एक अभद्र टिप्पणी की जाती है उस
पर पुलिस मुकदमा लिख देती है क्योंकि वो सच्चाई का आईना दिखा रहे थे। लेकिन एक पत्रकार एक न्याय की मांग कर रहा था, एक बेटी को बचाने का न्याय कर रहा था, तो उसको गोली मिलती है, उसको कोई सुरक्षा और कोई न्याय नहीं मिलता है। ऐसी व्यवस्था की हम निंदा करते हैं।